आज हम लोग माई सेल्फ डॉक्टर जुगल किशोर दादीच असिस्टेंट प्रोफेसर नॉन वायलेंस एंड पीस जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू, आज हम लोग बीए फाइनल का वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स फर्स्ट पेपर पढ़ने जा रहे हैं। और उस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो। प्लेटो की राजनीतिक विचारधारा और दर्शन को अगर अपन देखें तो प्लेटो राजनीतिक जीवन के अंतर्गत 427 ईसा पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ और प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से जो दर्शन प्राप्त किया था और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत प्लेटो के न्याय सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है, संपत्ति का सिद्धांत है, आदर्श राज्य का राजा का सिद्धांत है, तो ऐसी अनेक विचारधाराओं का दर्शन दिया। प्लेटो एक्चुअल में मूल रूप से मोनार्की सिस्टम का समर्थन करता था और उसने जो पुस्तकें लिखी है अपने जीवन काल के अंतर्गत अपोलोजी, क्रिटो, प्रोटोगोरस, रिपब्लिक, सोफिस्ट, फेडो, मीनो और लोज। लोज जो है मूल रूप से आदर्श राज्य से संबंधित है। तो प्लेटो की विचारधारा और दर्शन को अगर अपन देखें तो प्लेटो मूल रूप से अपने दर्शन के अंतर्गत इस बात का उल्लेख करता है कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया उसके अंतर्गत इस बात का प्रतिपादन किया कि अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत एक राजा के द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था का को संचालित करना है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्लेटो अपने आदर्श राज्य को एक ऐसे न्याय सिद्धांत पर आधारित चाहता है जो राज्य में एकता बनाए रखते हैं और नागरिकों को घोर व्यक्तिवाद के प्रभाव से बचाएं। अर्थात प्लेटो ने, प्लेटो के बारे में बांकर ने लिखा है, चाहे वे सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो, न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार रहा है। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो मूल रूप से इस बात पर आधारित है कि शासन का संचालन किस प्रकार से संचालित करना है। प्लेटो ने कहा न्याय का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य अच्छा लगे वही न्याय है। इस तरह से हम लोग देखते हैं प्लेटो की न्याय की विचारधारा के अंतर्गत। तो नंबर वन आता है नैतिक सिद्धांत पर आधारित। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो मूल रूप से नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्लेटो की जीवन और विचारधारा के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं तो प्लेटो ने कहा कि न्याय का सिद्धांत जो है वो मूल रूप से यूनान में प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया उसने कहा कि व्यक्ति को कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए और कर्तव्य की भावना से जो कार्य करेगा वो ही नैतिक न्याय है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो मूल रूप से नैतिकता पर बल देता है। नंबर टू आता है न्याय आंतरिक भावना है। प्लेटो ने कहा कि न्याय की जो भावना है वो आंतरिक भावना है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति के आत्मा में तीन गुण पाए जाते हैं और वो है विवेक, साहस और तृष्णा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो प्लेटो की विचारधारा है वो विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर हम लोग देखते हैं कि प्लेटो आंतरिक न्याय का समर्थक है। नंबर तीन आता है न्याय एवं आदर्श राज्य में घनिष्ठ संबंध। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय परम आवश्यक तत्व है। वेपर के अनुसार उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा एवं उचित पोषण
आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व है। अतः आदर्श राज्य के बीच शासन, सुरक्षा तथा उत्पादन की दृष्टि से ऐसा कठोर सुनिश्चित श्रम विभाजन होना चाहिए जिसके द्वारा एक स्थायी आधार प्रदान कर सके। नेक्स्ट नंबर तीन आता है, नंबर चार आता है, न्याय के सिद्धांत में श्रम विभाजन, हस्तक्षेप वे कार्य के विशिष्टीकरण का सिद्धांत निहित है। प्लेटो की जो विचारधारा और दर्शन है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि नागरिकों का जो कार्य है, आत्मा के अनुसार जो कार्य करना है, तो उसके अंतर्गत उसने आत्मा के तीन गुण माने, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और इन आधारों के आधार पर हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से कार्ल मार्क्स ने जो बात कही है प्लेटो के गणराज्य के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत के अंतर्गत जो मूल भावना है वो कार्य के विशिष्टीकरण की भावना है। नेक्स्ट आता है समष्टिवादी सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति के स्थान पर समाज के महत्व को स्थापित करता है, अतः इसे प्रकृति से समष्टिवादी सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो की न्याय व्यवस्था में व्यक्ति का नहीं अपितु उसके वर्ग का महत्व है। और यद्यपि प्लेटो विभिन्न हितों वाले तीन वर्गों की स्थापना करता है, किंतु वह न्याय सिद्धांत द्वारा इन वर्गों में ऐसा आंतरिक तालमेल स्थापित करता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में एकता स्थापित होती है। अतः राज्य व्यक्ति का विराट रूप है और राज्य के द्वारा ही शासन का संचालन होता है। नेक्स्ट आता है दार्शनिक शासक को प्रमुख स्थान। प्लेटो की जो विचारधारा और दर्शन था उसके अंतर्गत दार्शनिक राजा को महत्व दिया गया है। और दार्शनिक राजा का तात्पर्य यहां पर यह है कि राजा विवेक पर आधारित होगा और राजा जनता के हितों में कार्य करेगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक हित में सैनिक वर्ग, उत्पादन वर्ग के ऊपर राजा निरंकुश होगा, नियंत्रण होगा। राजा के बारे में यह कहना चाहूंगा कि प्लेटो की विचारधारा और दर्शन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा की परिकल्पना की, उसने कहा राजा की कोई निजी संपत्ति नहीं हो, राजा का कोई परिवार नहीं हो, बल्कि राजा सार्वजनिक जगह में स्थान करे ताकि जनता के हितों में अधिक से अधिक कार्य कर सके। नेक्स्ट आता है दार्शनिक न्याय सिद्धांत के सहायक साधन के रूप में। न्याय के दो प्रकार हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक न्याय। प्लेटो की विचारधारा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि एक उसने व्यक्तिगत न्याय की परिकल्पना की, और व्यक्तिगत न्याय के आधार पर हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने न्याय का निवास व्यक्ति की आत्मा में माना है। और उसने कहा आत्मा में जो कार्य अच्छा लगता है उसे वह कार्य करते रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो न्याय की विचारधारा है वो मूल रूप से प्लेटो के सिद्धांत के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट आता है राज्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से राज्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। उसका मत है कि राज्य अच्छा है या बुरा है इसे कैसे मापा जाए, इसके लिए व्यक्ति को जानना होगा, क्योंकि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है और वह व्यक्तियों से मिलकर बनता है। उसके उनके जीवन स्तर, रहन सहन, स्थित विचारों से ये ज्ञात किया जा सकता है कि राज्य कैसा है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि राज्य को अच्छा बनाने के लिए अपने कार्यों को सुगमता पूर्वक संपादित करें। इसलिए प्लेटो ने उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या की। और लास्ट पॉइंट आता है न्याय सिद्धांत का व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वतंत्रता का समन्वय। प्लेटो ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत
न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की समन्वय होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जब उसमें स्वतंत्रता नीत होगी तो उससे उसका व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। नेक्स्ट आता प्लेटो का, नंबर वन था न्याय सिद्धांत, नंबर टू आता है शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत। देखिए प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो आप लोग देखेंगे कि प्लेटो ने जो शिक्षा का आधार चुना, जो शिक्षा की बात कही, उसने अलग अलग शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार किए, उम्र के हिसाब से उसके शिक्षा के अंतर्गत उसको महत्व दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग से बाधाएं दूर करने के लिए साम्यवाद की चाहे कितना भी महत्व क्यों ने दिया गया दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जो साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा का फोकस रहा है, क्योंकि उसने शिक्षा का जो सिद्धांत दिया उसमें प्रोफेसर सेबाइन का कहना है कि शिक्षा ऐसा सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में ढाल सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि शिक्षा पद्धति का जो आधार है वो दार्शनिक आधार प्लेटो ने जो दिया है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य वस्तुगत जगत का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, अपितु इसके मूल में निहित सत और असत, न्याय और अन्याय का मतलब कि आपका अध्ययन करना है। प्लेटो ने कहा कि सद्गुण ही, जो गुरु सुकरात का विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात प्लेटो ने ज्ञान में तीन स्रोत बताए मानव आत्मा के अंतर्गत, और उसने कहा कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो यह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता है, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसलिए उसने कहा कि शिक्षा का प्रथम स्तर जो है वो नैतिक और धार्मिक होना चाहिए। अगर नैतिक और धार्मिक होगा, दूसरा शिक्षा के अंतर्गत उसने व्यायाम और संगीत को बराबर महत्व दिया। व्यायाम और संगीत के माध्यम से भी प्लेटो ने इसको उजागर किया था, और इसके अलावा उसने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो भागों में बांट करके इसका मतलब वर्णन किया कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है और उच्च शिक्षा के अंतर्गत कैसी शिक्षा देनी है। तो जो शिक्षा का माध्यम है उसने प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत, तो उसने 6 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक उसने प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन किया था, और 20 वर्ष से 30 वर्ष तक और 30 वर्ष से 35 वर्ष तक जो है उसने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अर्जन करने पर बल दिया। तो जो शिक्षा के गुण है मुख्य रूप से वो नंबर वन आता है राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो इस बात पर बल देता है कि जो शिक्षा का आधार है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, और राज्य के द्वारा उस पर समय समय पर संशोधन किया जाना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि जो अनिवार्य शिक्षा है उसमें हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का जो सिलेबस है वो अगर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा तो समाज के अंतर्गत सभी लोग शिक्षित होंगे। नंबर टू, यूनानी शिक्षा व्यवस्था का विकास। प्लेटो ने, क्योंकि तत्कालीन समाज के अंतर्गत जो विकसित स्थिति में थे वो था यूनानी समाज, तो यूनानी शिक्षा व्यवस्था का विकास करने पर बल दिया। उसने कहा एथेंस और स्पार्टा नामक नगर राज्यों में दो भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा पद्धतियां प्रचलित थी। प्लेटो ने इन दोनों के गुणों को मिलाकर अपनी नवीन शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की। इस प्रकार उसने
तत्कालीन यूनानी शिक्षा पद्धति को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश की। अतः हम लोग देखते हैं प्लेटो ने यूनानी शिक्षा पद्धति को महत्व दिया। नेक्स्ट आता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। उसने प्लेटो ने कहा शिक्षा पद्धति के अंतर्गत कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और उसके अंतर्गत उसका आध्यात्मिक विकास, राजनीतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है शिक्षा के ऊपर उसने बल दिया। नेक्स्ट आता है उसका मनोविज्ञान के अनुरूप शिक्षा। तो मनोविज्ञान के अनुरूप का मतलब यह हुआ कि प्लेटो ने कहा जिस व्यक्ति की जैसी साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी के अनुसार उसके शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा साइंस का अध्ययन करना चाहता है तो उसको साइंस की शिक्षा दी जाए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए जो है आपके धर्म का अध्ययन करना चाहता है या हिस्ट्री का अध्ययन करना चाहता है तो उसको देनी चाहिए। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो आत्मा के अंतर्गत जो गुण निवास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। प्लेटो ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही और इस वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो की जो विचारधारा थी वो मूल रूप से महिला और पुरुषों के लिए समान शिक्षा पद्धति पर बल दिया। उसने नारी को मतलब कि पुरुषों के बराबर माना और ऐसी स्थिति में उसने एक जगह कहा भी था, प्लेटो ने कहा था कि घर की रखवाली के अंतर्गत जितने रक्षा कुत्ते करते हैं उतनी कुत्तियां भी भौंक भौंक करके रक्षा कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि प्लेटो की विचारधारा के अंतर्गत स्त्री पुरुषों के समान शिक्षा पद्धति पर बल दिया। नेक्स्ट आता है शिक्षा व्यवहारिक है। प्लेटो की शिक्षा योजना तत्कालीन यूनान की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह नागरिकों को अपने सामाजिक कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति के योग्य बनाती है। शिक्षा योजना सामाजिक न्याय की स्थापना करके सामाजिक वर्गों के बीच कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करती है। नेक्स्ट आता है शरीर एवं मन का विकास। देखिए शरीर एवं मन के विकास की बात करें तो प्लेटो ने शिक्षा योजना के द्वारा शरीर व मन दोनों को उचित महत्व दिया और इसके अंतर्गत उसने व्यायाम का है, जिम का है, आपके जो शारीरिक क्रीड़ा का है दोनों को महत्व देकर के उसने कहा व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा पद्धति पर बल दिया। नेक्स्ट आता है शासक वर्ग को प्रशिक्षण। शासक वर्ग के प्रशिक्षण से तात्पर्य यह है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत शासक वर्ग को प्रशिक्षण दिया और उसने कहा कि जो शासक बनेगा वो शीर्ष सुशिक्षित होना चाहिए ताकि राज्य का उचित रूप से नेतृत्व कर सके, उसे प्रदान कर सके। तो ऐसी स्थिति में प्लेटो की जो विचारधारा है वो शासक वर्ग को प्रशिक्षण देती है ताकि शिक्षा का उचित उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नैतिक विकास पर बल। प्लेटो की शिक्षा योजना सद्गुण ही ज्ञान है और के सिद्धांत को स्वीकार करती है। वह शिक्षा द्वारा ऐसा वातावरण बनाना चाहता है जो नैतिक उत्थान में सहायक हो। इस दृष्टि से उसने कला साहित्य के ऐसे अंशों को नौ जो है सिलेबस जो आपका यूनिट वाइज है उसमें निर्माण किया ताकि बच्चों के व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जा सके। और लास्ट जो पॉइंट उसने कहा था वो कहा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसके अंतर्गत जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा पद्धति के ऊपर बल दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो मूल रूप से जीवन पर्यंत चलने वाला शिक्षा सिद्धांत है जिसके माध्यम से एक दार्शनिक राजा की वह जो है आपका परिकल्पना करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आदर्श दार्शनिक राजा का सिद्धांत। नंबर 3 दार्शनिक
राजा। देखिए प्लेटो के जो राजा है वो एक उसने बहुत सुंदर परिकल्पना की थी राजा की, और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्लेटो का जो राजा है मूल रूप से उसका जो चिंतन था वो गुरु सुकरात से शुरू हुआ था, और प्लेटो के जीवन का मूल उद्देश्य था आदर्श राज्य की स्थापना करना, क्योंकि तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों में अराजकता व्याप्त थी और इन नगर राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता था, परंतु प्लेटो ने इस शासन व्यवस्था के अयोग्य भ्रष्ट अकुशल आदि कहकर इनकी कड़ी आलोचना की। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो फोस्टर ने कहा है कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। तो मूल रूप से उसने जो दार्शनिक राजा की जो बात की वो उसने ये कहा था कि दार्शनिक राजा योग्य कुशल ज्ञानी निस्वार्थी दार्शनिक राजा के हाथ में शासन की सत्ता होनी चाहिए। अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंतर्गत इस बात पर महत्व दिया कि राजा के अंतर्गत जो है ये तत्व विवेक साहस हमेशा होना चाहिए ताकि वे राज्य का कार्य सुचारू रूप से कर सके। उसने कहा विवेक प्रदान शासन संचालन करता है, साहस से क्या सुरक्षा होती है, और तृष्णा जो है उत्पादन वर्ग के लिए जरूरी है। तो जो विवेक का प्रतीक है वो बुद्धि का प्रतीक है, और प्लेटो ने कहा कि राजा हमेशा मूल रूप से अपना जो फोकस है वो दार्शनिक राजा वो मूल रूप से हमेशा राज्य की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उसने दार्शनिक राजा के बारे में जो परिकल्पना की, मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, ये आपका दार्शनिक राजा है और ये दार्शनिक राजा के गुण हैं। दार्शनिक राजा के गुण है ना, ये दार्शनिक राजा के गुण हैं, और इसके अंतर्गत जो है दार्शनिक राजा देखिए क्या क्या है, शांत स्वभाव, शांत स्वभाव, नंबर टू स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, नंबर तीन आत्मनिर्णय, आत्म निर्णय, नंबर चार निस्वार्थी, निस्वार्थी न्याय का प्रेमी, न्याय का प्रेमी, सत्य का अनुगामी, सत्य का अनुगामी, और लास्ट पॉइंट आता है विवेक का प्राणी, विवेक का प्राणी। ये दार्शनिक राजा के अंतर्गत गुण होने चाहिए। इन राजा अगर राजा के अंतर्गत ये गुण होंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं वो प्लेटो के हिसाब से एक दार्शनिक राजा होगा। और दार्शनिक राजा के कर्तव्य क्या है ये उसके गुण है, उसमें स्मरण शक्ति होनी चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, विवेक प्राणी होना चाहिए, सत्य का अनुभवी, न्याय का प्रेमी, निस्वार्थी और आत्मनिर्णय। इनके अलावा उस दार्शनिक राजा के कुछ कर्तव्य है, और वो कर्तव्य क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाए, हर प्राणी को अलग अलग जो है एक कार्य सौंपा जाए, और भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना और न्याय की स्थापना करना, ये राजा के प्रमुख कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राजा है वो मूल रूप से इन चीजों पर आधारित है कि हमें शासन का संचालन कैसे करना है, और इन शासन व्यवस्थाओं के द्वारा प्लेटो कहता है कि एक दार्शनिक राजा को किस तरह से शासन का संचालन करना है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि
कि दार्शनिक राजा जो है वो मूल रूप से मोनार्की सिस्टम यानी कि राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन उसने किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि एक राजा शासन का संचालन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वह न्याय प्रेमी होना चाहिए, यानी कि अराजकता का माहौल नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसने जो है राजा के ऊपर जो गुण बताए हैं, जो विशेषताएं बताई है, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजा के ऊपर इसके साथ में कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, ताकि क्योंकि दार्शनिक राजा अनेक बार शक्तियों के कारण निरंकुश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य में धन और निर्भरता का प्रवेश रोकना, नंबर टू राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना, नंबर तीन न्याय प्रशासन को कायम रखना, और नंबर चार शिक्षा पद्धति को बनाए रखना। इनके ऊपर दार्शनिक शासकों पर प्रतिबंध। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है, जो आदर्श राज्य का विचार है, जो शिक्षा का विचार है, वो मूल रूप से उसके जो है दर्शन के ऊपर आधारित है। और ऐसी स्थिति में प्लेटो की जो न्याय दार्शनिक राजा का विचार है, वो मूल रूप से गुणों से सुशोभित मान रखा गया है। थैंक यू।